गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी सैंडविच लेकर आई हूँ, क्योंकि यही सोचते हैं सुबह क्या बनाएं। मैं इवनिंग सैंडविच बना रही हूँ, बच्चों को इवनिंग में भी भूख लगती है, तो सोचे कि सिंपल सा जो भी घर में हो उसी सैंडविच बनाते हैं। मेरे पास क्या था, ये कुछ टमाटो थे और एक मेरे पास वेजिटेबल थी, मैंने सुबह बनाई थी, बंद गोभी और मटर की, और ये प्याज और धनिए से बनी हुई चटनी मैं हमेशा घर बना के रखती हूँ। इसमें नमक और हींग से तड़का लगा होता है, बस और कुछ नहीं होता। हरी मिर्च, प्याज और धनिया, ये हमेशा मेरे घर में रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेड लेने, आप जो भी खाते हो, मेरे घर में ब्राउन ब्रेड ज़्यादा खाते हैं तो मैं ब्राउन ब्रेड रखती हूँ, आप जो खाते हो वो ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे इसमें लगानी है मुझे सब में मेयोनीज। तो ऐसे मेयोनीज हम लगा देंगे, पूरे में मेयोनीज लगा दें। इनमें मेयोनीज लगा दी हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो टमाटो केचप लगा सकते हैं या पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं, थोड़ा सा हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी सामान हो उससे बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है, बच्चों के साथ साथ मैं भी इसे खाती हूँ। इसके बाद हम जो मैंने प्याज और धनिए की बनाई हुई थी जो हमेशा मेरे घर में रेडी रहती है, मैं इसका भी एक वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में इसको हम बना सकते हैं, सिम पराठे भी बना सकते हैं। बनाकर आप रख लें फ्रिज में, ख़राब नहीं होती। उसके बाद हम ये जो सब्ज़ी थी इसको डाल देंगे, सब्ज़ी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी कोई भी सब्ज़ी हो जो लग रहा हो यूज़ में नहीं आनी, तो ऐसे ही सैंडविच बना लो, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे भी इस तरीके से हम इसके बाद हम डालेंगे टमाटो केचप थोड़ा सा। उसके बाद हम टमाटोज के स्लाइसेस हम लगा देंगे ऐसे, वैसे तो बच्चे कभी कुछ खाते ही नहीं हैं, अगर उनको ऐसे छुपते छुपाते कुछ डाल दो तो कुछ पता नहीं चलता, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये एक चीज स्लाइस हम लगा देंगे, इससे और यम्मी हो जाएगा ये, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको करना है फोल्ड और ऐसे प्रेस करके इसको हल्का सा प्रेस कर देना है, दबा देना है इस तरीके से। और अगर आपके पास ये ब्रेड का इस तरीके से ग्रिल का ये बनाने का हो तो, नहीं तो आप तवे पे भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ें बना सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं घी से थोड़ा सा ग्रीस करूँगी, घी से, बटर से, जो भी आप लगाना चाहें वो इस तरीके से। और इस तरीके से हम इसको करेंगे कवर्ड ये, और इसको कर देंगे हम लॉक, ये हमने लॉक कर दिया। अब हम गैस ऑन करते हैं, हाई फ्लेम पे इसको ऐसे रख देना है, बस दोनों साइड से इसको सेकना है, ज़्यादा नहीं, चेक कर लीजिएगा
साइड से होके आ गई। गर्मा गर्मा गरम गरम सैंडविच ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको सेफली निकालते हैं। ये इस तरीके से ये देखिए कितना अच्छा सीखा है दोनों साइड से। ये देखिए अब हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। कितना क्रंची है ये, बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना अंदर से ये क्रिस्पी कितना है। और आप इसको चाय के साथ, बच्चों को दूध के साथ, किसी के साथ दे सकते हैं। वैसे मैं तो आज खा रही हूँ, मैं अपनी कॉफ़ी के साथ इसको लूँगी।